हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है मच अवेटेड वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, मैं वो वीडियो लेकर के आ गई हूँ और काफ़ी लोगों को इस वीडियो का इंतजार था। तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए फाइनली आ चुका है। तो मेरे घर में आ चुके हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स। इससे पहले वाले अगर आपने जो है वीडियोज़ नहीं देखे हैं, ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ जो है मैंने शेयर किया है इसी टॉपिक के ऊपर, इसी वीडियो के ऊपर। तो आप लोग वो जाकर के देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो आपको वो वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो मेरे घर पे जो है छोटा सा मैंने सेलिब्रेशन रखा है 10,000 फॉलोअर होने की खुशी पर। तो इसमें मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है इंक्लूड किया था सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि फैमिली के बगैर कोई भी सेलिब्रेशन अधूरी होती है। तो इसीलिए, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को देख बताया था कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की है और जो है किस तरह से मैंने अपना मेकअप किया था, तो वो वाला वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। और ये वाला वीडियो जो है किस तरह से मैंने पार्टी जो है सेलिब्रेशन किया है 10,000 फॉलोअर होने की खुशी में। यस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अगर अभी तक आप लोग को नहीं पता, तो इंस्टाग्राम पर मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और उसी की खुशी में मैंने जो है ये पार्टी रखी है, ये सेलिब्रेशन रखा है अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, हेलो, मेरा नाम सुमन है, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ डेली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल, स्किन रिलेटेड वीडियोस, मेकअप वीडियोस और हॉल वीडियोस। तो अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो पाए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और प्यारे प्यारे रील्स वीडियोस देखने को मिलेंगी। इंस्टाग्राम के हैंडल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो जाकर मुझे फॉलो जरूर करें। तो आज मैं ना आप लोगों के साथ 10,000 फॉलोअर होने की खुशी में जो है ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। उतने अच्छे से मैंने घर पे ही ये सेलिब्रेशन रखी थी, तो हो सकता है थोड़ी लाइटिंग का इशू हो या वीडियो में जो है ना वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड रखी है मैंने, कि जिससे आप लोग बोर भी ना हो। तो ये वाला वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहो, आप लोग को जरूर पसंद आएगा ये वाला वीडियो। तो मेरी फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं मेरे घर पर और अब जो है हम पार्टी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरी जो ननद, मेरी जो प्यारी ननद है, वो उन्होंने सूट पहना था, तो मैंने उनको बहुत इंस्टेंस मतलब उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ साड़ी पहनो। तो फिर जो है साड़ी मैंने उनको ऑफ़र की, तो उनको जो साड़ी पसंद आई उन्होंने फिर पिक करके उन्होंने वो पहनी है साड़ी। तो यहाँ पर हम सभी बैठे थे, बातें कर रहे थे, और जब हम एक साथ बैठते हैं ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता, इतनी सारी बातें हो जाती है हमारे बीच में, और फिर भी ऐसा लगता है हमारे बीच में ना बातें ख़त्म नहीं हो रही है। हम फ्रेंड मतलब एक तरह से ना हमारा जो सर्कल है, हमारी जो फैमिली में जो हमारा जो फैमिली सराउंडिंग है, जो हम लोग बच्चे हो चाहे हमारी नंद हो, हमारे बीच में जो है ना फैमिलीज़ और फैमिली के साथ साथ एक फ्रेंड जोन भी है, फ्रेंड सर्कल भी है। हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, और हम लोग मतलब एक साथ रहते हैं तो टाइम का भी पता नहीं चलता, इतना हम इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। तो यहाँ पे हमने पार्टी स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने ना बहुत छोटे से स्केल पे ये पार्टी रखी है, बहुत छोटे से स्केल पे ही सेलिब्रेशन रखा है, एक तरह से आप समझ लो जो है पिज़्ज़ा पार्टी, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। तो यहाँ पर ना मैंने जो है हम पार्टी कैसे स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से ना जो मतलब फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे पार्टी स्टार्ट करने का एक तरीका था जो मैंने मतलब एक जो हमेशा से मैंने देखा है कि लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, तो मैंने भी ऐसी इसी तरह से फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हुए पार्टी स्टार्ट की थी। और पार्टी भी क्या थी मतलब एक छोटा सा सेलिब्रेशन ऐसे ही स्टार्ट हो गया था, जैसे ही फैमिली मेम्बर्स आ गए थे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना ट्विनिंग की थी, हमें पता ही नहीं था, जब हमने फ़ोटोज़ देखी या लोगों मतलब जो फैमिली मेम्बर्स बता रहे थे कि मतलब आप लोगों ने तो सेम तरह की जो है सेम कलर की आपने ड्रेस कोड रख लिया है, एक तरह से आपने ट्विनिंग कर लिया, तो फिर हमारा ध्यान गया कि हाँ हमने ट्विनिंग कर लिया। और हमने फिर फ़ोटोज़ क्लिक करवाया, मेरे हस्बैंड ने, फैमिली मेम्बर्स ने, हम सब ने मिलकर फ़ोटोज़ क्लिक करवाया यहाँ पर। तो मैं और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, जिस तरह से हम मतलब अगर उन्होंने ओपन पल्लू रखा है तो मैं भी ओपन पल्लू रखूँगी, या अगर मैंने जो है प्लेट्स बनाई हैं तो वो भी प्लेट्स बनाएंगे। तो हम लोग मतलब इतना मतलब रिलैक्स मतलब जो होता है ना एक मतलब हम लोग के बीच में ना बहुत अंडरस्टैंडिंग सी है, हम एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे मैं हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ हो, चाहे हम लोग हस्बैंड हो, वाइफ हो, हम सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग में कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ ना बहुत फन करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन का टाइम था फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि फैमिलीज ने ना एक जब
स्टार्टिंग स्केल होती है ना तो फैमिली ही होती है जो हमें सपोर्ट करते हैं, बाद में धीरे 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 सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है, बट जो स्टार्टिंग ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं उस पर हमारे साथ जो होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, इंस्टाग्राम पर आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो है मैंने फिर जो सेलिब्रेशन जो है इसके बाद हमने थोड़ा सा आगे एक स्टेप और लिया, फिर मैंने जो है केक कटिंग का सेशन लेकर के आई। यहाँ पे केक जो है ना मैंने इंस्टाग्राम का ही लोगों के साथ ये वाला केक बनवाया है स्पेशल ऑर्डर पे, ये बन जाते हैं इजीली, तो मैंने यहाँ पे 10K लिखवाया था केक पर, और इंस्टाग्राम लोगो जो है इस डिज़ाइन का केक था यहाँ पर। और हम सब ने फिर फ़ोटोज़ लिया, फिर हम लोग यहाँ पे जो है एक दूसरे को टैग करेंगे। टैग से याद आया यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग का इंस्टाग्राम है और जो खुद एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो अगर आप लोग को उनको फॉलो करना है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल लिंक जो है URL जो है उनका दे दूँगी। आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे रील्स उनके भी जो है इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है सब फ़ोटोज़ लेने में बिज़ी थे क्योंकि मेरा जो फ़ोन है अभी कैमरा उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, मेरा फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया है। इवन मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है ना वो भी बहुत जल्दी भरने लगा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितने स्टोरेज का मैं जो है मेमोरी लूँ मोबाइल लूँ कि मतलब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ तो भी मेरा जो है फ़ोन जो है फुल ना हो पाए, स्टोरेज फुल ना हो पाए। तो फिलहाल सभी बिजी हैं, सबसे ले लूँगी मैं फ़ोटोज़ वगैरह, ऐसा वाला सीनेरियो था कि आप सब खींचो बाद में मैं फ़ोटोज़ ले लूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो वीडियो बन रही थी, तो इसलिए यहाँ पर फिर हम सब वेट कर रहे हैं। ये जो नाइफ वाला इशारा किया वो मैंने अपने भाई को किया, क्योंकि मेरे भाई बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आता है और वो बिल्कुल ही नहीं आना चाहता रहता, वो एक जो है ना उसको वीडियोज़ वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है वो, बट वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है, एक आवाज़ पर जो है ना मेरे लिए खड़ा हो जाता है, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मीन अलॉट है। और मतलब उसने जो है बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी, तो वो भी मतलब पीछे से खड़े होकर मेरा वीडियो बना रहा है, फ़ोटोज़ खींच रहा है, बट हर किसी की एक प्राइवेसी की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जिसको आना है वो आएगा वीडियो में और जिसको नहीं आना होगा उसको टाइम जस्ट टाइम हम टाइम देंगे कि वो भी धीरे 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 हमारे साथ इन्वॉल्व हो वीडियो में, क्योंकि फैमिलीज़ एक होता है ना फैमिली के साथ अगर वीडियो बना रहे हैं तो लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है फैमिली के साथ अगर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फिर मैंने सबको बोला कि प्लीज़ केक ना साथ में कट करते हैं, क्योंकि आप सब नहीं होते तो हम मतलब मैं यहाँ पे नहीं आती, तो हम सबका एक तरह से अचीवमेंट है, हम सब एक तरह से जो है 10,000 तक पहुँचने में सक्सेस हुए हैं, तो हम सब ने जो है मिलके केक कट किया था। और फिर यहाँ पे जो है ना फ़ोटो सेशन हो रहा था, तो स्वाति ने और जो है शिवम ने फ़ोटो लिया है, वो फ़ोटो जो है हम लोग टैग करेंगे एक दूसरे को, तो इसलिए और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। तो बच्चों को ना केक देखते ही इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि बर्थडे है का शिवांश को और नेहल को, शिवांश मेरा भांजा है और निहल को तो आप सभी जानते हो मेरी बेटी है, शिवांश मेरा बेटा है यहाँ पर, और हम सब जो है एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और जो है फ़ोटोज़ वगैरह हमने इस बीच में बहुत सारी ली, रील्स भी बहुत सारी बनाई हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम का सेलिब्रेशन है और अगर इंस्टाग्राम पे हम रील्स नहीं डालेंगे तो फिर फेयर नहीं होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं। और इसके बाद जो है केक कटिंग के बाद हमने पिज़्ज़ा पार्टी भी की है, वो वाला वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ना वॉइस डालती पर बच्चों के बीच में नेहल और जो है शिवांश उस भी उन दोनों की जो है ना वॉइस बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है वॉइस ओवर कर लेते हैं, हो सकता है मन की बात ज़्यादा पहुँचे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो के ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बहुत सभी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर आ करके रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यार वीडियो फटाफट से लेकर के आओ, तो इसलिए मैं ये वाला वीडियो वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा भी लगे और ये सेलिब्रेशन भी जो छोटा सा स्केल पे मैंने छोटे जो है एक तरह से स्मॉल स्केल पे मैंने ये सेलिब्रेशन रखा है। अभी जो है हम पार्टी पिज़्ज़ा पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पेट पूजा करने के बाद फिर हम आगे का सेलिब्रेशन का एक स्टेप और लेंगे। सेलिब्रेशन का स्टेप क्या, अब डांस बाकी रह गया है, तो फिर हम सब डांस करने वाले हैं, तो पिज़्ज़ा सब बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। और फिर जो है मैंने पिज़्ज़ा मतलब इस पार्टी के लिए मैंने इस सेलिब्रेशन के लिए मैंने केक पिज़्ज़ा पार्टी और जो है मतलब खाना मतलब लाइक शाम का डिनर वगैरह मैंने प्लान कर रखा था। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या मिस हो गया, तो फिर मैं उस हिसाब से जो है आगे के लिए ध्यान रखूँगी कि
अगर जो है मैं सेलिब्रेट करती हूँ तो उस तरह से भी मैं कर सकती हूँ, बट इस हिसाब से जितना मतलब फ्लो में जिस तरह से मैं पार्टी करना चाहती थी, जिस तरह से सेलिब्रेट करना चाहती थी, मैं उस तरह से कर रही थी कि मेरे घर वाले जो है बोर भी ना हो, वो भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूँ, वीडियो भी बन जाए मेरा, और मैं हम मतलब एक फैमिली को ना एक बहाना चाहिए साथ में बैठ के बातें करने का, इंजॉय करने का, तो वो एक मोमेंट आ गया था हम लोग के लिए। तो फिर हमने बहुत इंजॉय भी किया, हमने बहुत डांस भी किया, मैंने मेरे पति देव ने, बच्चों ने, और फिर हमने बहुत सारी गेम्स भी खेली। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था और फ़ोन की बैटरी भी डेड थी, और आई थिंक उस दिन संडे था तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी था, तो इस वजह से भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, मुझे याद आ गया। तो हमने बहुत सारे डांस भी किया था, नेहल और उसके पापा एंजॉय कर रहे थे। जो है मैं ये क्लिप हटाना चाहती थी बट इतने सुंदर लग रहे थे ये दोनों, तो मैंने हटा नहीं पाई, तो इस वजह से यहाँ पर फिर मैंने, और मतलब मैंने ना ये जो साड़ी पहनी है, आप लोग पूछोगे कमेंट में, इससे पहले बता दूँ ये साड़ी ना मैंने मीशो से परचेज़ की थी, और इसका ना हॉल वीडियो में ही ऑलरेडी कर रखा है मैंने। इसकी साड़ी ना, इस साड़ी के साथ में ना ऑफ शोल्डर ब्लाउज ही स्टिच करवाया। तो यहाँ पर हम सब डांस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अपनी बेटी को डांस करा रही हूँ, काजू शिवांश में इस तरह से इतनी क्यूट तरीके से डांस कर रहा है। अब ना मैं जो डांस का जो साउंड है ना वो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में वॉल्यूम के साथ करूँगी, और जो है आप ये वाला जो वॉइस ओवर है मैं यहीं तक रखूँगी, इसके बाद आप सिर्फ डांस इंजॉय करो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो ये वॉइस ओवर यहीं तक था, ये वाला जो वीडियो है यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।